नमस्कार यूनिवर्सल न्यूज टॉप 10 में स्वागत छ म माया प्रसाई। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भेटवार्तामा संसदको जारी अवरोध हटाउने बारे कुराकानी भएको जानकारी। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन राप्रपालाई फकाउँदै सत्तारूढ गठबन्धन कोशीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रको पनि दाबी। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक सोमबार बस्दै बैठकमा संगठन सुदृढीकरण अभियानको समीक्षा वैचारिक नीति र कामको विस्तृत योजनाबारे छलफल हुने। कांग्रेसले आफूलाई सुधार्ने अभियान नथाले जनतासँग जोडिन गाह्रो पर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहको भनाई आरोप प्रत्यारोपले कांग्रेस कमजोर हुँदै गएको उल्लेख। बाढ़ी पहिरोका कारण मुंगलिङ नारायणगढ़ सहित 7 वटा सड़क अवरुद्ध 21 वटा सड़क एकतर्फी रूप में मात्र संचालन। सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय ताहचलमा निर्माण व्यवसायले दिए धरना निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले गर्नुपर्ने भुक्तानी नगरेको गुनासो। कृषि क्षेत्रलाई कानून अनुसार व्यवस्थित बनाउने गरी कृषि ऐन आउने कृषि मन्त्री भुषालको भनाई कृषि क्षेत्र नेपालीहरूको जीवन पद्धतिसँग जोडिएको जिकिर। सुन तस्करी प्रकरणमा थप एकजना पक्राउ पक्राउ पर्नेमा बेल्जियमका नागरिक टोखाको एक प्रिफ्याब हाउसमा छापा मार्दा केही सामान बरामद। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी विलिन किन द्वारा नाइजर का राष्ट्रपति मोहम्मद बजोम तत्काल रिहा करना आग्रह असंवैधानिक रूप में वैध सरकार परिवर्तन करने प्रयास को कड़ा निंदा। 1900 एशियाड अंतर्गत बॉक्सिंग कराते तेक्वांदो खेल में पदक को आश क्रिकेट र स्पोर्ट्स सुखद नतीजा को अपेक्षा। हस्त यूनिवर्सल न्यूज टॉप 10 अहिल्ला यति नै हेर्दै गर्नुहोला यूनिवर्सल टेलीविजन। नमस्कार।